अमित की कहानी में आप सभी को देखने को मिलेगा कि बर्फी देवी उड़ा देगी ईशा को अब सफेद चुन्नी, जहां पर आप देखेंगे कि मीत की एक गलती अब उसकी बहन ईशा पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। बर्फी देवी को ऐसा लगेगा कि मीत ने उसे धोखा दिया है, जिसके बाद बर्फी देवी ईशा के सर पर सफेद चुन्नी रख देगी और कहेगी कि अब तुम्हारी ये बेटी विधवा है, इसका सुहाग उजड़ चुका है। ये सुनते ही ईशा के हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, उसे समझ नहीं आएगा कि बर्फी देवी ऐसा क्यों कर रही है। तो आपको बता दें, कहानी में अब आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर पूरा अलावत परिवार सदमे में आने वाला है ये खबर सुनकर। तो दोस्तों, कहानी में काफ़ी मज़ेदार होने वाला है कि जब दीप की मौत का राज आएगा सामने, तो ईशा के पैरों तले कैसे ज़मीन खिसकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं देखने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।